भारतीय किसान यूनियन टिकट के संगठन विस्तार को लेकर किसानों के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर संगठन विस्तार करते हुए नए साथियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें, बैठक को संबोधित करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी विजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि किसान मजदूर नौजवानों को एक षड्यंत्र के तहत प्रताड़ित किया जा रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है। देश की 80% आबादी गाँव में निवास करती है, उसको लूटने के लिए दिन रात सरकार की मशीनरी लगी रहती है, जिसका संगठन विरोध करता है। देखिए हमारे सहयोगी मोहम्मद वाजिद की ये रिपोर्ट। भैया सभी का ले लियो, अमर हो जाएगी फोटो सबकी। किसान यूनियन जिंदाबाद, अमर रहे, अमर रहे, अमर। सिंह बिलारी से इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री रंजीत सिंह से कहूंगा को आए और थोड़े से दो शब्द। रंजीत सिंह आ जाओ, अब सब लोग मना करते रहेंगे तो रंजीत सिंह बिलारी आज की सभा के प्रमुख महासचिव इंद्र सिंह यादव जी, हमारे बीच में युवा के पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी शुभम राठी जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नौ सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष चौधरी मनोज चौधरी, बाकी जितने भी मंचासीन आयोजक टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। के लोगों में अगर अपने अधिकारों के प्रति लड़ने की अगर चेतना जागृत हुई है तो उसके लिए वो बधाई के पात्र है, क्योंकि इस क्षेत्र में पहले से कोई बहुत ज्यादा किसान यूनियन के लोग सक्रिय नहीं थे, लेकिन आज उन्होंने इस महत्व को समझ लिया। सभी कुंदर की ब्लॉक के डिंगरपुर में महापंचायत हुई है किसान यूनियन की, क्या उद्देश्य है इसका? मेरा विजेंद्र सिंह यादव नाम है, प्रदेश प्रमुख महासचिव हूँ भारतीय किसानों का, पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ। आज संगठन विस्तार, गन्ना भुगतान और ये जो रोड है कुंदर की डिंगरपुर रोड है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनकी सरकार के मंत्री उप मुख्यमंत्री रोज कहते हैं कि दीपावली का गड्ढा मुक्त, कम से कम 7 साल होने जा रहे हैं उन्हें, 7 साल में 7 साल बाद लगातार कही है कि हमने सड़क का गड्ढा मुक्त कर दी, बजट भी जारी किए हैं, हमें तो नहीं पता बजट कहीं आ रहा है। इस सड़क का गड्ढा मुक्त के नाम पे प्रदेश में बहुत भारी घोटाला है। इस रोड के लिए जो कुंदर की और डींगरपुर रोड है, इतनी रोड है किसान गन्ना नहीं ले जा सकता, किसान अपना मट्टी का काम नहीं कर सकता, खेतों पर कोई नहीं ले जा सकता कुछ सामग्री, तो इतनी खराब रोड होने के बाद हम तो कह रहे हैं इसमें बहुत भारी घोटाला है। हमारे जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी द्वारा ज्ञापन दे दिया गया है और बिलारी मिल है उस पर बहुत ज़्यादा गन्ना भुगतान है, तो उस पर भी एक आंदोलन होगा। और इस रोड है, रोड की प्रमुख समस्या है, इसको बड़े स्तर पर उठाया जाएगा और इससे संबंधित जो भी हो, जो भी घोटाला है उसे उजागर किया जाएगा और इसके निर्माण की लड़ाई लड़ी जाएगी। सर कुंदर की ब्लॉक डिंगरपुर चौकी के लिए पुलिस विभाग के लिए आपके कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि डिंगरपुर में लगातार अवैध वसूली की जा रही है, इसमें क्या कहना है? बिल्कुल अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम तो अपने कार्यकर्ता अभी जो भी कहेंगे कि अगर ऐसा कहीं अवैध वसूली का है तो उसकी वीडियो वगैरह बनाएं। और आज की तारीख में भारतीय किसान यूनियन टिकट, भाजपा के लोग भी जो काम नहीं कर रहे, जो किसानों का शोषण रोकने के लिए, गरीब मजदूर लड़ाई लड़ने के लिए हमारे नेता और हम लोग इतने लगे हुए हैं, बाकी तो सत्तारूढ़ पार्टियां अपनी जेब भरने के लिए, किसी भी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन का मतलब है कि हमारे किसान को सम्मानित, हम सरकार हैं, हम अधिकारी हमारे नौकर हैं, अधिकारी हमारे पैसे से, हम दिन में एक बार नहीं 20 बार टैक्स देते हैं। हमने अगर एक ड्रम तेल भरवा लिया, कुछ लोग कहने लगते हैं जिन्हें कचरा के आने के किसान क्या दे रहा है, जब कोरोना काल आया था ना पूरे देश का पहिया रुक गया था, इस देश की अर्थव्यवस्था किसान ने संभाला था, आज अगर हम एक ड्रम तेल भरवा लाए तो सरकार के खाते में 12,000 रुपये डाले आए। दिन में 20 बार किसान टैक्स देता है, उससे ये लोग वेतन ले रहे हैं,
तो इनकी जवाबदेही है, किसानों के प्रति इन्हें सच्ची ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। और अगर किसी अधिकारी की बात है तो बताई जाए। और मुख्य रूप से आज हमें एक जो देखने को मिली, हजारों किसान आए इस डींगरपुर रोड और गन्ना भुगतान को लेकर और बिजली समस्या को लेकर बहुत आक्रोशित हैं। इस समस्या का प्रमुखता के साथ लड़ाई लड़कर समाधान कराया जाए। उनके साथ धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता लगातार गन्ना बिल को लेकर और बिजली विभाग के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन बात करें यहाँ से लड़की डींगरपुर संपर्क मार्ग जो कि 9 किलोमीटर का रहता है, इसके लिए सब क्या करेंगे? वही मैंने अभी बात कही है, कुंदरकी डींगरपुर संपर्क मार्ग है, वो इतना टूटा हुआ मार्ग है। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके उपमुख्यमंत्री, तमाम मंत्री हर साल गड्ढा मुक्त करते हैं। अभी हम बयान पढ़ रहे हैं अखबारों में कि दीपावली तक गड्ढा लगातार बढ़ के आ रहे हैं। किसान अपने ट्यूबवेल को लेकर परेशान है, तो सर क्या उसके लिए आज हमारा हम लोगों ने भी बताया, हमारा काम है संघर्ष। हम लोग सत्तारूढ़ तो है नहीं, जो अधिकारी नहीं सुधरता है उसे लोग हम झंडा और डंडा और टोपी सब नहीं सुधारते हैं। जहाँ भी ऐसी शिकायत आ रही है, कार्यकर्ता बैठे, हमारे जिलाध्यक्ष ने कह दी कि जहाँ भी अधिकारी नहीं सुधरेगा उसको वहीं बैठकर सुधारा जाएगा। कई मामले तुमने देखे होंगे, अभी मूडा पांडे थाना अध्यक्ष का था, उसका व्यवहार किसानों की प्रति संहिता सुधर गए, बिलारी में भी देखा होगा। हमारा तो संघर्ष है, आज संघर्ष से ही 13 महीना आंदोलन करके हम लगातार गाजीपुर दिल्ली बॉर्डरों पर रहे। इस देश की अहंकारी सरकार और अहंकारी नेताओं को झुकाया, कानून वापस कराए। किसानों की वजह से बहुत समस्याओं का समाधान हो रहा है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि ढीठ और अनदेखी करने वाले अधिकारी हैं जिनकी रवैया किसान विरोधी है। उनका अगर ऐसी कहीं बात है, कार्यकर्ता हमें बताएं, बस स्वयं बैठे और अपने जिलाध्यक्ष को सूचना दें, उसका आंदोलन के माध्यम से इलाज किया जाएगा। धान केंद्र के लिए 19 आड़तें बनाई गई हैं जहां